यूपी में बीजेपी का तैयार हो गया मास्टर प्लान। यूपी में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी बनाएगी 1.5 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप। मोदी शाह का 2024 में सारथी बनेंगे बीजेपी के ये 3 कद्दावर नेता। क्या एक बार फिर बीजेपी विपक्ष को देगी पटखनी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए 2019 लोकसभा से भी ज्यादा का टारगेट रखा है। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जबकि इस बार बीजेपी के इन दोनों दिग्गजों ने बीजेपी के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में 2024 के लिए बीजेपी की क्या है रणनीति और किन किन नेताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। मोदी शाह के प्लान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सदस्यों की टीम बनाई है। इस टीम में सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चूग को जगह दी गई है। ये तीनों ही बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। यह टीम 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए डिटेल में रणनीति तैयार करेगी। इनका रोल ग्रास रूट पर काम करके उन लोकसभा क्षेत्रों को पहचान करना होगा जहां बीजेपी के उम्मीदवार 2019 के चुनाव में दूसरे स्थान पर आए थे। इसके अलावा ये टीम लोकल बीजेपी इकाइयों से समन्वय के जरिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का भी काम करेगी। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट जीतने का टारगेट रख रही है। ऐसे में उन्हें यूपी पर विशेष फोकस करने की तैयारी है, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए निर्वाचित कार्यकर्ताओं से संबंधित करीब 1.75 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुप के जरिए पार्टी अपना पूरा प्रचार डिजिटल तरीके से करेगी। इसके अलावा पार्टी करीब 1.5 लाख सिम भी बांटेगी, जो प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों को दिए जाएंगे। बीजेपी ने बूथ स्तर पर अभी से प्रचार शुरू कर दिया है। यह भी तय किया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चाहें किसी भी बूथ अध्यक्ष से सीधे संपर्क कर सकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से लेकर बूथ अध्यक्ष तक कोई सूचना पहुंचाने में चंद मिनट ही लगेंगे। इससे पार्टी के अभियान का आधार सुनिश्चित होगा और बूथ स्तर पर मतदाताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। इस तय रणनीति के तहत बीजेपी सभी बूथों पर अपनी कमेटी बना रही है। इस कमेटी में कम से कम 11 सदस्य होंगे, इसका एक अध्यक्ष होगा, उन्हें भी सिम दिया जाएगा। इसी नंबर के आधार पर बूथ अध्यक्ष व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। इस ग्रुप में करीब 100 से ज्यादा सदस्य होंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमारी पार्टी टेक्नोलॉजी के साथ खड़ी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप लोकसभा चुनाव में हमारी जीत का आधार बनेंगे। हम सोशल मीडिया के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। पार्टी इस तरह के कुछ और बड़े अभियान चलाएगी और कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर संदेश पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ली जाएगी। तो ये थी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।